हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हमने जेल प्रहरी रिक्रूटमेंट टेस्ट के ऊपर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन तैयार की है। आप जैसे जानते हैं कि व्यापम ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें विभिन्न परीक्षाओं के कार्यक्रम के बारे में उल्लेख किया गया है। इनमें से ही एक है जेल प्रहरी परीक्षा। जेल प्रहरी परीक्षा की जो एग्ज़ाम डेट है अनुमानित 24 अक्टूबर 2020 है। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, भारत भी उसमें से प्रभावित है और हमारा मध्य प्रदेश भी उनमें से एक है। तो कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण से अधिकांश जो परीक्षाएं हैं जो एक निश्चित समय पर होनी थी वो उस समय पर नहीं हो पा रही हैं। इस कारण से ये जो टेंटेटिव डेट दी गई है, टेंटेटिव का मतलब होता है एग्ज़ाम की अनुमानित तारीख, वो 24 अक्टूबर 2020 दी गई है। 24 अक्टूबर 2020 दी गई है। इसके अलावा हम अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं जेल प्रहरी से जुड़ी हुई। आयु सीमा जो है वो जेल प्रहरी की परीक्षा के लिए वो 18 से 25 वर्ष है। किसके लिए? जो अन्य राज्यों से हैं, जो मध्य प्रदेश से नहीं है, जो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, जो मध्य प्रदेश से आवेदन करने वाले लोग हैं, पुरुष अभ्यर्थी जो कि जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो अनारक्षित वर्ग में हैं, उनके लिए 25+8 वर्ष की छूट दी गई है। 33 वर्ष की आयु तक वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद महिला अभ्यर्थी जो हैं, जो जनरल कैटेगरी की हैं, ध्यान रखिएगा, जो महिला अभ्यर्थी हैं जो जनरल कैटेगरी की हैं, इसके अलावा एससी एसटी और साथ में ओबीसी, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी के, चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी हो चाहे महिला अभ्यर्थी हो, कोई भी हो, लेकिन जो जनरल कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं वह 38 वर्ष की आयु तक जेल प्रहरी की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सब मैं आपके लिए क्यों बता रहा हूँ, ये असल में पिछले नोटिफिकेशन का एक बड़ा हिस्सा है और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जेल प्रहरी की परीक्षा में योग्यता क्या रहती है, लिखित परीक्षा किस प्रकार होती है और उसमें जो फिजिकल मापदंड होता है वो किस प्रकार से होता है, इससे आपको पूरा एक आइडिया लग जाएगा। इसलिए मैं आपको इस विषय में पूरे से विस्तार से बता रहा हूँ। आइए इसके लिखित परीक्षा के बारे में जानते हैं। जेल प्रहरी की परीक्षा में 5 सब्जेक्ट रहते हैं, सामान्य अंग्रेजी, हिंदी, गणित, जीके और विज्ञान। सभी लगभग 20-20 नंबर के आते हैं। सभी 5 सब्जेक्ट हैं, सामान्य अंग्रेजी, हिंदी, गणित, जीके और विज्ञान। सामान्य इंग्लिश में सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं ग्रामेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपके कंजंक्शन के क्वेश्चन हुए, आपके प्रपोजिशन के क्वेश्चन हुए, जैसे सर आपको लेक्चर बना रहे हैं, आप उनको रेगुलर पढ़ते रहिए, आपका आराम से जेल प्रहरी का जो रिटर्न है आराम से कवर हो जाएगा। हिंदी के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ग्रामेटिकल, इसके अलावा मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं, और जीके जो आता है बेसिकली वो आपका आता है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ भी आता है और नेशनल जीके भी आता है, ठीक है। लेकिन पिछले एग्जाम्स में अधिकांश जो पूछा गया है वो एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी एमपी जीके और करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहें। आप नेशनल जीके भी पढ़ें, आप राष्ट्रीय स्तर का जो संविधान होता है, भूगोल होता है, अर्थशास्त्र होता है, इतिहास होता है, आप वो भी पढ़िए, आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसके अलावा विज्ञान भी पढ़िए, आप केमिस्ट्री भी पढ़िए, फिजिक्स भी, बायोलॉजी, जो साइंस के आपके क्वेश्चन है वो आराम से लूसेंट से कवर हो सकते हैं। इसके अलावा जब कोचिंग खुलेंगी तो उसमें भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, तो आराम से आपका विज्ञान कवर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता, सभी जनरल हैं, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि कोई एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है और ये पूरा पेपर 2 घंटे का रहता है। पूरा पेपर कितने घंटे का होता है? सिर्फ 2 घंटे का होता है और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। शारीरिक दक्षता क्या होनी चाहिए, हमारी शारीरिक दक्षता, सबसे पहले मैं आपको शारीरिक मापदंड के बारे में बता देता हूँ। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, या वो एमपी के बाहर से आया हो, कहीं से भी आया हो, उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट 158 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सीने की बात की जाए तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 83 सेंटीमीटर है, 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना, और महिलाओं के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, उसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में। शारीरिक मापदंड की बात की जाए, टेस्ट जो 800 मीटर की रनिंग की आवश्यकता होगी 2 मिनट 50 सेकंड में, ठीक है ना, और लड़कियों के लिए 4 मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट करनी होगी 800 मीटर की।
इसके बाद गोला फेंक होगा यहाँ पे, गोला फेंक, गोला फेंक जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 20 फीट तक फेंकना होगा। गोले का वजन 7.26 किलोग्राम होगा, कितने फीट, 20 फीट फेंकना होगा गोला, और वजन होगा 7.26 किलोग्राम। जबकि जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 16 फीट तक गोला फेंकना होगा और उसका वजन करीब 4 किलोग्राम होगा। तो जिनको लग रहा है कि जिनका अच्छी से रिटर्न की प्रिपरेशन हो गई है वो सुबह शाम रनिंग करना भी शुरू कर दें। रनिंग करने से क्या होता है, आपका शरीर फिट भी बना रहेगा और आपकी तैयारी भी चलती रहेगी, ठीक है ना। तो रनिंग भी जरूर कीजिए, फिटनेस का भी ध्यान रखिए, साथ में फिजिकल भी होता जाएगा और आपका रिटर्न एग्जाम भी कवर होता जाएगा। एग्ज़ाम फीस की बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम फीस क्या रहेगी जेल प्रहरी की परीक्षा के लिए। तो जो मध्य प्रदेश के बाहर से आए हुए हैं, उनके लिए एग्ज़ाम फीस रहेगी लगभग 500 रुपीज़, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 500 रुपीज़। और जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए भी 500 रुपये रहेंगे। जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं, जितनी भी लड़कियां आवेदन करेंगी, इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी के चाहे पुरुष हों चाहे महिला हों, और जनरल कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी, महिलाएं गर्ल्स, उनके लिए कितना रहेगा, 250 रुपये। और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जनरल कैटेगरी के लिए और जो बाहर से आए हुए हैं उनके लिए रहेगा कितना, 500 रुपये। तो इस तरह से आप जेल प्रहरी की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो कोविड-19 जो कि महामारी फैली हुई है उसमें घर में बैठकर अपना समय बर्बाद ना करें और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें। कोविड-19 महामारी आप जानते हैं पूरे भारत में फैली हुई है, तो आप अभी सभी आप घर पे होंगे तो अपना समय बर्बाद ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो सभी आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। जो भी अपडेट आएंगी जेल प्रहरी की परीक्षा से जुड़ी हुई वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।